अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप थ्री फैमिली बाइक्स के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सबके लिए कौन से तीन बेस्ट बाइक्स हैं जो कि आप फैमिली पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि फैमिली बाइक्स में कौन सा बाइक बेस्ट है, तो वो डिफरेंट बाइक्स के नाम लेते हैं। तो मैंने सब बाइक्स को इकट्ठा करके जो तीन बाइक्स मेन हैं उनको मैंने चूज़ किया है जो कि बेस्ट होते हैं फैमिली के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर थ्री पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GR150। सुजुकी GR150 को नंबर थ्री पे रखने की क्या रीज़न है, अब इसमें मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ। तो सुजुकी GR150 जो है, इसके अंदर आपको फीचर्स वाइज किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिल रही। फीचर्स बाइक के आपको पूरे मिल रहे हैं। आपको इस बाइक के अंदर डिपर भी मिलेगा, इस बाइक के अंदर केल स्विच भी मिलेगा, उसके अलावा इसका जो मीटर है उसके अंदर भी तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ इस बाइक के अगर शॉक्स को हम देख लें तो बाइक के फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स, दोनों शॉक्स बाइक के बहुत अच्छे हैं और पिछले शॉक्स के 5-स्टेप एडजस्टेबल हैं। फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर फ्रंट शॉक्स मिलेंगे। इसके अलावा बाइक के जो दोनों टायर्स हैं, इन दोनों की ग्रिप बहुत अच्छी है और फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। इसके अलावा जो सीट है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीट नहीं है, थोड़ी सी आपको स्ट्रेट सीट मिल रही है, तो फैमिली को बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। इस बाइक के अंदर इजीली बैठ जाते हैं, इजीली उतर भी जाते हैं, तो सीट इस बाइक की उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और उसके अलावा कंफर्टेबल भी है इस बाइक की सीट। इसके अलावा इसके इंजन की अगर हम बात करें तो बाइक का जो इंजन है ये सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इसके अलावा बैलेंसड शाफ्ट का कोई आइडिया नहीं है कि इसके इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, मगर जिन लोगों ने इसको चलाया है वो इसको CB150F के बराबर का कहते हैं या कुछ लोग उसे बेहतर भी कह देते हैं। तो इस हिसाब से हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, तो बाइक का आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल रहा है। कंफर्ट का इस बाइक के अंदर कोई इशू नहीं है। इसके अलावा पावर का जहाँ तक ताल्लुक है तो पावर भी कोई गई गुजरी नहीं है। आपको GS150 से थोड़ी सी कम पावर मिल रही है, लेकिन आपको CB150 से थोड़ी सी बेहतर पावर मिलेगी, और इसके अलावा YBRG से तो डेफिनेटली बेहतर आपको पावर मिलेगी क्योंकि ये 150cc कैटेगरी का इंजन है, वो है 125cc कैटेगरी का। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के टैंक की बात करें तो 12.5 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है और पेट्रोल एवरेज का जहाँ तक ताल्लुक है 40 तक ये बाइक इजीली आपको एवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो एवरेज का भी इस बाइक के अंदर इशू नहीं है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है और पार्ट्स की क्वालिटी का भी इशू नहीं है। क्वालिटी इस बाइक की बहुत बेहतर है और कम्फर्ट लेवल का भी आपको इशू नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने अभी इस बाइक को नंबर थ्री पर रखा है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर वाले बाइक की बात करें तो सेकंड नंबर पर जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा YB125Z। यामाहा YB125Z कर लें या फिर YB125ZDX कर लें, दोनों में डिफरेंस सिर्फ डिस्क ब्रेक और अलार्म्स का है। अब मैंने इस बाइक को सेकंड नंबर पर क्यों रखा है, सबसे मेन चीज़ है प्राइस। जो प्राइस है इस बाइक की वो सुजुकी GR150 से बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम कम्फर्ट की बात करें तो कंफर्ट जो है ये आपको GR150 से बेहतर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स की। तो फीचर्स में आपको इस बाइक के अंदर किल स्विच और डिपर मिसिंग मिल रहा है सिर्फ, बाकी इसके मीटर के अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। स्पीडोमीटर से लेकर फ्यूल गेज तक इस बाइक के अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, गियर इंडिकेटर भी अवेलेबल है। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको असेंबलीज में सिर्फ किल स्विच और डिपर मिसिंग मिल रहा है जैसे कि मैंने अभी कहा है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। सेल्फ स्टार्ट भी अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। अगर हम इस बाइक के टैंक की बात करें तो 13 लीटर का टैंक है इस बाइक का और ये बाइक भी 40 तक इजीली एवरेज प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इस बाइक के अगर शॉक्स की बात करें तो बाइक के फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं, बैक पे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स मिल रहे हैं, तो शॉक्स भी बाइक के बहुत अच्छे हैं। यामाहा ने इसके शॉक्स में यहाँ तक क्लेम किया है कि अगर आप पानी का ग्लास हाफ रख दें सीट के ऊपर और एक स्मॉल बम्प से गुजरें जो कि आपको इस्लामाबाद में मिलते हैं, इन स्पीड बम्प से या फिर स्पीड ब्रेकर्स आप कह लें इनको, इन छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर से जब आप गुजरेंगे तो बाइक के ऊपर जो पानी पड़ा है हाफ ग्लास पानी का, ग्लास भी नहीं गिरेगा, उसके अलावा जो पानी है वो भी अंदर से बाहर तक नहीं आएगा। तो यामाहा ने यहाँ तक इसके शॉक्स में क्लेम किया है। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो इंजन है इसके अंदर आपको बैलेंसर मिल रहा है, ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में बिल्कुल भी इशू नहीं होता, और सबसे बड़ी बात वाइब्रेशंस होती हैं, तो वाइब्रेशंस जो है वो इस बाइक के अंदर वैसे ही नहीं है। जब तक आप 80 की स्पीड क्रॉस नहीं करेंगे आपको कुछ खास वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर फील नहीं होंगी। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की पावर की बात कर लें तो पावर का भी इशू नहीं है, आपको पावर भी अच्छी मिल रही है 125cc कैटेगरी के हिसाब से, आपको पिकअप भी अच्छी मिल रही है और पावर भी आपको पावर की जहाँ तक बात है तो 120 तक ये बाइक ऑलमोस्ट चला ही जाता है।
इसके बाद अगर हम इस बाइक के सीट की बात करें तो इस बाइक की आपको सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी जीआर से। इस बाइक की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है जीआर से। उसके अलावा स्ट्रेट सीट है तो फैमिली को इस बाइक के अंदर बैठने में भी इशू नहीं होगा, उतरने में भी इशू नहीं होगा और टैंक पे भी आप इजीली बच्चे बिठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पर ड्रम ब्रेक मिल रही है YBZ के अंदर और बैक पर भी ड्रम ब्रेक मिल रही है। और YBZ DX का जहाँ तक ताल्लुक है तो YBZ DX के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है और अलार्म्स इंस्टॉल मिल रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा बाइक चूज़ करते हैं, या तो YBZ चूज़ कर लें या फिर YBZ DX चूज़ कर लें। दोनों में से किसी भी बाइक को चूज़ कर लें, बस आपको डिफरेंस जो है वो सिर्फ ब्रेकिंग का मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। इसके अलावा अब बात करते हैं नंबर वन पे मैंने किस बाइक को रखा है। तो नंबर वन पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GD110S। सुजुकी GD110S को नंबर वन पे रखने की मेन रीज़न पहले आपको बता देता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सुजुकी GD110S को वन पे रखने की जो मेन रीज़न है वो है क्वालिटी। एक है क्वालिटी, उसके अलावा है प्राइस। सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जो पेंट और बिल क्वालिटी है सुजुकी GD110S की वो बहुत बेहतर है यामाहा YB125Z से। इसकी रीज़न ये है कि YBZ जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक है, जबकि सुजुकी GD110S जो है ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। इसके अंदर आपको इम्पोर्टेड पार्ट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ ये असेंबल होता है, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेड हैं। तो आपको इम्पोर्टेड क्वालिटी मिलती है GD110S के अंदर और लोकली मैन्युफैक्चर्ड की क्वालिटी आप सब जानते हैं, तो वो क्वालिटी आपको मिलती है YBZ के अंदर। तो एक तो आ गया क्वालिटी का डिफरेंस, एक आ जाता है प्राइस का डिफरेंस। प्राइस मैं आपको तीनों बाइक्स की एंड में बता देता हूँ, मगर पहले हम बात कर लेते हैं GD110S के फीचर्स की। तो GD110S के अंदर आपको सब चीज़ें इंस्टॉल मिल रही हैं। इसके अंदर अगर असेंबलीज की बात करें तो डिपर भी इंस्टॉल्ड है, किल स्विच भी इंस्टॉल्ड है, सेल्फ स्टार्ट भी है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की मीटर की बात करें तो मीटर में बस कुछ चीज़ें मिसिंग है, बाकी आपको इस बाइक के अंदर गियर इंडिकेटर भी मिल रहा है, स्पीडोमीटर भी मिल रहा है, उसके अलावा ट्रिप मीटर भी इंस्टॉल मिल रहा है। इसके बाद अगर हम टैंक की बात करें तो आपको GD110S का जो टैंक मिल रहा है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। इसका जो आपको साइज़ मिल रहा है वो है 9 लीटर का। 9 लीटर का टैंक है, जितना आपको ऑलमोस्ट CD70 का मिलता है उतना इस बाइक का टैंक है। और इसके अलावा जहाँ तक इस बाइक की पेट्रोल एवरेज का ताल्लुक है तो आपको पेट्रोल एवरेज ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगी YBZ जैसी। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज कम अज़ कम भी आपको 40 तक मिल सकती है ईजिली। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट है वो स्ट्रेट सीट है और कंफर्टेबल सीट है। लेकिन अगर आप इस सीट का कंपैरिजन करेंगे YBZ की सीट के साथ तो YBZ की जो सीट है वो ज़्यादा बेहतर है कंफर्ट में। इसके बाद अगर इंजन की बात कर लें तो 110cc कैटेगरी का इस बाइक का इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। फ्यूल सिस्टम में आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है। इस बाइक के अंदर भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर है और YBZ के अंदर भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आपको बेलासा शेफ दोनों बाइक्स के अंदर मिल रहा है तो कंफर्ट में आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। वाइब्रेशंस दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम GD110S की पावर की बात करें तो पिकअप वाइज भी बाइक बहुत अच्छा है, पावर वाइज भी अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट है। अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो वैसे तो ये बाइक 100 तक ही जाता है, लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो इसको 110 तक भी लेके गए हैं। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिल जाती है। इसके बाद अगर शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के भी फ्रंट शॉक्स और बैक शॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ब्रेकिंग वाइज भी बाइक बहुत अच्छा है और इसके अलावा बाइक के अंदर जो जैसे कि मैंने आपको मेन चीज़ बताई कि इस बाइक की सीट स्ट्रेट है, आप इसके ऊपर भी टैंक भी बच्चे बिठा सकते हैं और बैक पे जो लेडीज़ हैं वो ईजिली बैठ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों बाइक्स की प्राइजेस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यामाहा YB125Z की प्राइस। तो यामाहा YB125Z की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 273,000 रुपये, 273,000 रुपीज़ आपको प्राइस मिल रही है YBZ की। YBZ DX की प्राइस है 292,500। इसके अलावा आपको जो सुजुकी का बाइक मिल रहा है सुजुकी GD110S उसकी प्राइस है 229, 229,000 रुपये सुजुकी GD110S की प्राइस है। और GR की जो प्राइस है वो है 365,000 रुपये, 365,000 रुपीज़ सुजुकी GR150 की प्राइस है। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि आपने YBR को ऐड नहीं किया, YBR-G को आपने ऐड नहीं किया, होंडा CB150F को आपने ऐड नहीं किया। तो अब मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ कि मैंने उन बाइक्स को क्यों नहीं ऐड किया।
तो अब उसकी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ कि मैंने YBR, YBR G, CB 150 और इस तरह के बाकी बाइक्स को मैंने ऐड क्यों नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है सीट। सीट अगर आप देखें तो लेडीज़ के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। YBR, YBR G, Honda CB 150 F, इनकी सीट से बैठना लेडीज़ के लिए मुश्किल है। उसकी रीज़न इसकी सीट का डिज़ाइन है। तीनों की सीट्स का डिज़ाइन जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, तो मर्द हजरात तो इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन लेडीज़ को काफ़ी परेशानी होती है। YBR, YBR G, CB 150 तो इस तरह की जितनी भी सीट्स हैं उन पर बैठने में परेशानी होती है लेडीज़ को। इसी वजह से मैंने इन बाइक्स को फैमिली कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं किया। तो नो डाउट तीनों बाइक्स बहुत कंफर्टेबल हैं, तीनों बाइक्स में आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलती और क्वालिटी वाइज भी गए गुजरे नहीं हैं ये बाइक्स, लेकिन मैंने ये रीज़न सीट की जो रीज़न है इसी वजह से मैंने इनको ऐड नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक फैमिली बाइक्स का ताल्लुक है जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी सीट्स तो आपको स्ट्रेट मिल रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली उसके ऊपर ईजिली बैठ सकती है और बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इन बाइक्स के अंदर जो मैंने अभी आपको तीन बताए हैं इनमें बैठने में परेशानी होती है, इसी वजह से मैंने इनको ऐड नहीं किया। सो गाइस कुछ बातें पार्ट से रिलेटेड कर लेते हैं। तो सुजुकी जी डी 110 एस के जो पार्ट्स हैं वो आपको YBZ से महंगे मिलेंगे, और उसके अलावा GR के जो पार्ट्स हैं वो YBZ से और GD 110 S से आपको महंगे मिल जाएंगे। GD 110 S और YBZ के पार्ट्स में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फ़ायदा आपको GD 110 S के पार्ट्स का ये मिल रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको यमहा का अगर एक पार्ट एक साल तक चलता है तो सुजुकी का वही पार्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक चल सकता है। तो पार्ट्स की क्वालिटी का ये डिफरेंस है, और उसके अलावा पार्ट्स की जो प्राइजेस हैं उनका भी बहुत डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। इसके अलावा रोड ग्रिप वाइज आपको YBZ सबसे बेस्ट मिलेगा इनमें, और कंफर्ट लेवल वाइज तीनों बाइक्स कंफर्ट में आउट क्लास हैं। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी आपको GR की और GD 110 S की बेहतर मिलेगी। गियर बॉक्स तीनों बाइक्स का स्मूथ है। सीटिंग पोस्चर तीनों बाइक्स का ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स तीनों बाइक्स के आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पार्ट्स की कॉस्ट मैंने अभी आपको बता दी है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स तीनों बाइक्स के आपको इजीली मिल जाएंगे, और प्राइसेस मैंने अभी आपको बता दी हैं। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।